ये सर आप थोड़ा सा सर आप पुलिस वाले शो में सर मेरी पुलिस वालों से थोड़ी सी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है लेकिन दूर से सर मैं हूँ ना बीच में सर कभी कभी डरता हूँ सर कि जो वैन जो पास होता है घर से तो ऐसा लगता है कि ब्रेक ही नहीं मारा मेरे घर के पास बिग हैंड फॉर द CID टीम और सर कभी मेरा कोई ऐसा सॉल्व करना होगा सर प्लीज़ आप मेरी मदद करेंगे Thank you, sir. Thank you, sir. All the best, sir. All the best, Pardeen. Thanks, sir. Thanks a lot. Pardeen. Jari, madam. Ajay. Pardeen, show mein aane ka aapka bahut bahut shukriya. ये जो हमारी दोस्ती है हमने तो एक पिक्चर की हम दिल दे चुके सनम और हमने एक पिक्चर की है नो एंट्री लेकिन हमारे जो फादर्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब थे मेरे मेरे वालिद के दो फेवरेट्स हैं इंडस्ट्री के जो वो ठीक से जानते हैं वो है संजू और सलमान इनके इनके वालिद साहब आई थिंक उन्होंने सिर्फ दो लड़कों को चूमा है होठों पे एक तो आपको चूमते थे होठों पे और एक मुझे चूमते थे होठों पे हाँ जिनको बहुत चाहते हैं ये पठानों में होता है कि बाप बेटों को मुंह पे चूमते हैं सुना है बहुत कुछ भी होता है लेकिन ये और अजय के फादर वीरू जी जब मैंने पिक्चर की थी कुर्बान तो उसमें एक्शन डायरेक्टर थे तो एक उनके साथ क्या होता था कि जब 100% पता चल जाता था कि एक पैकअप होने वाला है जो आई थिंक हमारे साथ भी होता था अभी हमने कम कर दिया है बट एक जब ग्लास बाहर आता था तो समझ जाओगे एक स्टील का ग्लास उसके ऊपर से एक नैपकिन आता था नैपकिन आता था इसका मतलब कि इसमें अब ड्रिंक बन चुकी है तो पैकअप है घर जाओ तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम आपको इस शो के दौरान बताते जाएंगे अब आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए फिल्म ऑल द बेस्ट जी गाने रिलीज हो चुके हैं पिक्चर कल रिलीज़ हो चुकी है जी कंप्लीट कॉमेडी है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है फिल्म में बिकॉज संजू मेरा और फरदीन का टाइमिंग इतना अच्छा हो गया कि वी वॉचिंग इट एंड वी आर क्रैकिंग अप लाफिंग प्रोमोस के अंदर एक कार्निवल वाला लगाना है जो सबको बहुत पसंद आ रहा है क्या वो देख सकते हैं हम लोग आइए 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 सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आई होप कि ये आपकी दिवाली बहुत अच्छी तरह से गुजरे और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और किसी का घर वगैरह 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 ना जलाएं जैसे जैकी श्रॉफ बोलते हैं कि अगर रॉकेट जलाएं तो ऐसा जलाना ऐसा नहीं जी तो आइए खेलते हैं क्लोरमिंट नॉकआउट राउंड इस राउंड के रूल्स गौर से सुनना और दोबारा मत पूछना ये लीजिए क्लोरमिंट ये लीजिए क्लोरमिन तो आपको इनको और आपको इनको नॉकआउट करना है आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ 5 सवाल और उसके जो जवाब हैं वो हमारे इस LG LCD TV में छुपे हुए हैं
तो जिसने भी पहले तीन सवालों का सही जवाब दिया वो जीतेगा और फिर वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए दस का दम। आइए आपसे आपका पहला प्रश्न पूछता हूं, कितने प्रतिशत भारतीय अपने पति या पत्नी के बार बार फोन आने से तंग होकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं? आप? मैं क्यों करूंगा? क्यों नहीं मतलब? क्यों मतलब क्यों करूंगा यार? अबे तेरे को याद है एक दिन हम लोग वैन में बैठे थे वो तो मेरे को बहुत कन्विंस कर रहा था। ट्रू स्टोरी के ये बताऊंगा तो लेकिन बता देता हूँ, हम लोग वैन में बैठे थे और मैं सलमान को कन्विंस कर रहा था कि सलमान ना हो अब क्या है कि यू शुड गेट मैरिड, इतनी अच्छी फीलिंग है कि आप यू नो आप जिसे प्यार करते हो उससे आपने शादी कर ली लेकिन जब आप घर जाते हो तो यू नो यू आर विद दैट पर्सन एंड यू आर हैप्पी एंड somebody cares for you, somebody calls you up के पूछने के लिए कि आप कैसे हैं क्या कर रहे हैं everything is fine and क्या हुआ क्या दिख रहा है? एक मिनट यार काजल का फोन है एंड ही वाज ट्राइंग टू और ये मुझे कन्विंस कर रहे थे कि भैया शादी कर लो। बहुत से सवाल तुमने पूछे सब लोगों को करेक्ट है ना अभी तक तुम, अब हम लोग तुमसे सवाल पूछेंगे हाँ। सवाल ये पड़ेगा जवाब आप दोगे, आप इधर आइए अभी, बहुत कुछ सवाल हम भी पूछे। मैं ये बहुत देर से आपको कहना चाहता था लेकिन अब ऑफिशियली कहूंगा, मेरे साथ नहीं खेला तो क्या खेला? क्या सवाल क्या है? सवाल पढ़े बोलो। सवाल पहला, झूल तो आपको पता ही है जी, कितने प्रतिशत, एक मिनट कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि सलमान आप शादी कब कर रहे हो? इस सवाल पर परमानेंट बैन लगा देना चाहिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सलमान भाई आप शादी कब कर रहे हो, इस सवाल पर लगा देना चाहिए। कि मैं आपके बाप बताऊं कि जोड़ी ऊपर बनती है, बिल्कुल बन रही है मेरी, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उसका, चल रहा है। मैं अनुमान लगाना चाहूंगा, जरा कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भारतीयों का कहना है प्रतिशत कि सलमान शादी कब करेंगे? इस सवाल पर बैन लगा दिया जाए। बैन लगाना चाहिए हाँ, शादी वाला बैन नहीं, सवाल पर बैन, सवाल पे बैन लगा दे। क्या ये कह रहा शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी तो बैन कर दो तो क्या बैन? शादी हो गई इसकी यार, ये कर ली शादी, कर ली पता है नहीं हमको बुला शादी का सवाल छोड़ो, ये बताओ बच्चे कितने? हाँ मतलब बता नहीं रहे तो यही बता दो, क्या बच्चे कितने हैं? सॉरी 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 बच्चे नहीं अभी तक, हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, लेकिन वो मेरे नीसेस नेफ्यूज हैं जो कि मेरे बच्चों की तरह है, और फिर मेरे फिर माई जान है और फिर माई सन है जो कि माई सन वो एक्सपायर्ड पास अभी उसके दूसरा आ गया, फिर एक सेंट है और एक माई लव है, तीन बच्चों कुत्ते हैं जो मैं बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ उनको। तो हमें रिजल्ट देख लेना चाहिए जी जी, छापो यस यस वो स्लॉट मशीन प्लीज छाप दीजिए, तड़प रहा था ये करने के लिए, छाप दिया। क्या हम देख सकते हैं कि फैसला क्या था आवाम का? कितना सीरियस, कितना शरीफ लग रहा है, सही लगा है मैंने।
आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जी हाँ, शादी भी तो 22%, लेकिन 75% लोग ये सवाल पूछ लेना चाहते हैं आपसे, इसका मतलब ये हो They want to know. तो अभी दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे। जी, पूछे, ये और खतरनाक है। और खतरनाक है। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा है कि वो सलमान को सिर्फ एक बार टच करना चाहते हैं? और उस टच के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सलमान को टच करना चाहती हैं? ओके फाइन, मैं यहाँ बैठे सभी मर्दों से सवाल पूछना, क्या आप सलमान को टच करना चाहते हो? Touch, 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 touch.